नमस्कार आदाब। आज हम स्लिप डिस्क और सर्वाइकल के बारे में आपको बताएंगे। स्लिप डिस्क और सर्वाइकल जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो चुकी है, ये यंग जनरेशन से लेकर ओल्ड एज तक पहुंच चुकी है। और डॉक्टर एमएच मलिक हमारे साथ हैं, ये बताएंगे इसका इलाज क्या होता है, कैसे होती है, ये क्या प्रिकॉशंस करने हैं। डॉक्टर एमएच मलिक बताएंगे आप। देखिए, जो स्लिप डिस्क है, जैसे स्पाइन की प्रॉब्लम है, कोई भी स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे सर्वाइकल हो गई है, स्लिप डिस्क हो गई है, L4 L5 रीजन में प्रॉब्लम हो गई है, डॉर्सल स्पाइन में हो गई है, या थोरासिक डिस्क में प्रॉब्लम हो गई है, सर्वाइकल में हो गई है, तो पूरी स्पाइन की प्रॉब्लम से रिलेटेड है डिस्क की जो प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई झटका लगता है, कोई ओवर वेट उठाते हैं हम, उससे क्या होता है कि जो भी हमारी मांसपेशी हैं उनमें खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि स्ट्रेन पड़ जाती है। डॉक्टर एक्सरे करते हैं तो मसल स्पाज़म की प्रॉब्लम बोल देते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर पास आउट नहीं होता, तो पेन जो है लेग्स में आनी शुरू हो जाती है। कई बार ये ऊपर वाले पोर्शन को भी कवर कर लेती है, कई बार मिडल पोर्शन में ज़्यादा एक्यूट पेन होती है, और जैसे ही पेशेंट बेड पे जाता है कई बार उठना इम्पॉसिबल हो जाता है उसके लिए। इसमें पेन बहुत एक्यूट होनी शुरू हो जाती है, इवन कि पेशेंट को जाके डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन करवाने तक की नौबत आ जाती है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि स्लिप डिस्क है भी या कोई नसों में खिंचाव है या मांसपेशियों में खिंचाव है। उससे क्या होता है कि पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें हमें एक्सरे करवाना बहुत ज़रूरी है। एक्सरे करवाने में अगर जैसे एक्सरे करवाते हैं उसमें हमें पता चलता है कि डिस्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, मसल स्ट्रेन थोड़ा सा हो गया या स्पाज़म हो गया है, तो इसके उपचार के लिए डॉक्टर क्या है कि एलोपैथी में मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं, स्टीरॉयड दे देते हैं, जो कुछ टाइम के लिए पॉसिबल होता है ट्रीटमेंट, यानी कुछ टाइम के लिए पेशेंट को आराम आ जाता है। लेकिन जो थेरेपीज हैं उससे क्या होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए इसमें सुधार आना शुरू होता है। पेशेंट 3-4 महीने पेन किलर खाता है, जिससे क्या होता है कि पेन किलर की वजह से पेशेंट में स्टीरॉयड खाने से या स्टीरॉयड लगवाने से, इंजेक्शन लगवाने से नसों में प्रॉब्लम एकदम से कम तो हो जाती है, लेकिन वो 10 दिन बाद दोबारा से शुरू हो जाती है। उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छी इसकी हमारे पास है थेरेपीज हैं, जिससे हम इसको क्योर करते हैं। तो डॉक्टर रिजवान मलिक हमें बताएंगे कि आगे इसके प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए डॉक्टर रिजवान मलिक बताएंगे कि आगे हमें इसको रोकने के लिए क्या क्या हमें इसके लिए हमें परिस्थितियाँ अपनानी पड़ेगी। अगर आपको स्लिप डिस्क और सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो पहले तो आपने हमारे हॉस्पिटल में विजिट करना है, इलाज करवाना है। हम एक दिन रखते हैं अपने पास पेशेंट को, अच्छे से इलाज करते हैं, थेरेपीज देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने जो भी हम आपको बताएंगे कि ऑयल कैसे लगाना है, कैसे मेडिसिन, सब कुछ आपको नेक्स्ट डे जब छुट्टी देते हैं तब बताते हैं। और आपने प्रिकॉशंस करने हैं घर पर जाके, 10 दिन परहेज करने हैं, कोई ज़्यादा नहीं परहेज करने हैं आपने, कोई 1-2 महीने नहीं करने, 10 दिन परहेज चलेंगे। परहेज में क्या करना है, आपने एक तो वेट नहीं उठाना, झुकना नहीं है, ट्रैवल कम करना है, इन चीज़ों का परहेज करना है। और डॉक्टर साहब मुझे बताइए भी इसके कितने % चांसेस है ठीक होने में। देखिए, डॉक्टर के पास जब पेशेंट MRI निकलवाता है तो L4 L5 L5 S1 में जैसी भी प्रॉब्लम आती है, डिस्क बल्ज हो जाती है, कंप्रेशन आ जाता है, तो डॉक्टर न्यूरो सर्जन के पास भेजे तो इमीडिएट इसके सर्जरी के लिए बता देते हैं कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिससे क्या होता है कि पेशेंट एकदम से डर जाता है कि मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो आने वाले टाइम में पता नहीं मेरे पाँव काम करेंगे ना करेंगे, टॉयलेट बाथरूम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सर्जरी उपचार तो है, लेकिन हम पहले ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बिना सर्जरी से, बिना ऑपरेशन से, हम अपनी जो हमारी थेरेपीज हैं उससे इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। जबकि 100% में से 90% पेशेंट ऐसे हो जाते हैं जो रिकवर कर जाते हैं हमारी थेरेपी से। मीन्स के 100 में से 90 पेशेंट ठीक हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी काफ़ी होती है। जो 10% पेशेंट रह जाते हैं जिनके बहुत लॉन्ग टाइम से ऑस्टियोपोरोसिस हो गया या फेस्टल आर्थ्रोपैथी की प्रॉब्लम हो गई है, जॉइंट बिल्कुल जुट गए हैं, या एज इफेक्ट के हिसाब से कई बार कोई पेशेंट ऐसे रह जाते हैं 10% जो इस थेरेपी से लाभ नहीं उठा पाते, और ना ऐसा है कि 90% पेशेंट इससे लाभ ले लेते हैं। और हमारे हॉस्पिटल में जिसकी नस दब जाती है, नस दबने का भी हम इलाज करते हैं, जिसे हम शाइटिका बोलते हैं, उसका भी इलाज हो जाता है, और 100 में से 90 पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको भी स्लिप डिस्क की दिक्कत है, आप भी विजिट कीजिए हमारे हॉस्पिटल में। ये सर्जरी के बिना ठीक हो सकता है? हमारा ये वीडियो बनाना या व्यूअर्स को बताना, लोगों को बताना, यही मकसद है कि आप पहले इसको एक बार हमें चांस दे के देखो। जो डॉक्टर ने, न्यूरो सर्जन ने, जो डॉक्टर ने इसकी सर्जरी के बारे में आपको बता रखा है तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जिससे कि पेशेंट ऑपरेशन से बच जाए। इनके काफ़ी हद तक चांसेस हैं
डिस्क को क्यों किया जा सकता है, बिना ऑपरेशन से भी किया जा सकता है, यानी जो मसल्स वीक हो गए हैं उनको प्रॉपर पावर में लेके आ सकते हैं हम, तो काफ़ी चांस है। हमारे हॉस्पिटल में सर्वाइकल का, स्लिप डिस्क का, शैटिका का और शोल्डर का, नीज का, नीज में पेन आता है, गैप आ जाता है, उसका भी इलाज हम करते हैं। अगर आपको भी दिक्कत है स्लिप डिस्क की, सर्वाइकल की, शैटिका की, आप भी विजिट करिए, ठीक हो सकते हो आप, ऑपरेशन से बच सकते हो आप, ऑपरेशन के बिना ही ठीक हो जाएगा, आप एक बार विजिट करिए हमारे पास। एक बार आपको आके यहाँ आके ही पता चलेगा कि कैसी ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन सी थेरेपीज होती हैं, पेशेंट को कैसे हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। जब आप आएंगे, आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जाती है ताकि आप लोग वीडियो को वायरल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि लोगों तक ये हमारा मैसेज पहुँच जाए कि जो बेचारे डिस्क स्लिप से परेशान है, जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है, या जो शैटिका से परेशान है, या जिनका फूड ड्रॉप हो गया है, तो उनके लिए काफ़ी चांसेस हैं हमारे पास आके ठीक होने। जिनकी जो स्पाइन होती है, स्पाइन मुड़ जाती है, उसका भी इलाज हो जाता है, उसका भी पेन ठीक हो जाता है। बिल्कुल, जैसे इम्प्लॉन्टिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, स्ट्रेन पड़ जाती है, या आगे से कमर जो आगे को झुक जाती है, पेशेंट सीधा नहीं हो सकता, या रात को करवट लेके लेटना पड़ता है, या पेशेंट उल्टा नहीं लेट पाता, उसको नीचे पिल्लो रख के लेटना पड़ता है, इसको ये इम्प्लॉन्टिक स्पॉन्डिलाइटिस का रूप ले लेती है धीरे धीरे, स्पाइन की बैंड होनी शुरू कर, इसको हम कहते हैं कि पेशेंट की कुक पड़ना शुरू हो जाता है, तो उसका भी काफ़ी हद तक काफ़ी पेशेंट ने इस हमारी थेरेपी से इस चीज़ से लाभ लिया है, यानी इस थेरेपी से काफ़ी पेशेंट ठीक हुए हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जिनके हमने रिव्यूज़ भी डाले हुए हैं वीडियोज़ में, आप जाके चेक कर सकते हो, जो व्हील चेयर पर आए थे हमारे पास, व्हील चेयर पर उठा कर लेकर आए थे पेशेंट्स को, वो नेक्स्ट डे हमारे यहाँ से चल के गए हैं, खुद चल के गए हैं, वो हमारे रिव्यूज़ डाले हुए हैं, आप वीडियो चेक करिए, ऐसे पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं। तो अगर स्लिप डिस्क की दिक्कत है, वो तो हो ही सकती है, आप एक बार चांस लीजिए, हमारे पास विजिट करिए, हमारे हॉस्पिटल में आइए, एक बार इलाज करवाइए, आप ठीक हो सकते हो। तो जैसे कि डॉक्टर, जैसे कोई कई पेशेंट ऐसे हैं कि जो फोर्ड नहीं कर पाते एक्सरे या जो MRI स्कैन वगैरह, तो क्या उनके लिए स्कैन करानी ज़रूरी है हमारे ट्रीटमेंट के लिए, आप पेशेंट को बताइए हमें फ़ोन आते हैं। अगर कोई जिनके पास पैसे कम है, जो इलाज करवाना चाहते हैं, आपका बिना MRI के ही इलाज हो सकता है, MRI कोई ज़रूरत नहीं है, हम चेक करके ही पता चल जाता है कि पेशेंट को दिक्कत क्या है, बिना MRI के, बिना एक्सरे के ही पेशेंट ठीक हो सकता है। देखिए, जैसे डॉक्टर रिजवान मलिक बता रहे हैं ना, ये इसी चीज़ के लिए बता रहे हैं कि जो पेशेंट पैसे ज़्यादा नहीं लगा सकते, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे स्कैन को, MRI को, तो सिंपल एक्सरे से भी, या अगर एक्सरे भी नहीं है तो आप एक बार हमारे पास विजिट करो, हम इसको देख के डायग्नोज करके इसका अच्छी तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पेशेंट हमें बताते हैं अभी हमें ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे दर्द आ रहा है, हमें उससे ही जजमेंट हो जाती है अभी पेशेंट को दिक्कत क्या है, तो बिना MRI के ही इलाज शुरू हो सकता है। अगर आपके पास MRI नहीं है, एक्सरे नहीं है, तो आप भी हमारे पास विजिट कर सकते हो, कोई ऐसा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने MRI करवानी करवानी है। अगर आपको दिक्कत हो चुकी है, आपको पेन होता है, बैक में पेन होता है, सर्वाइकल में पेन होता है, तो आप हमारे पास विजिट जरूर करिए, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, आप एक बार चांस लेके देखिए, हमारे पास आके देखिए, इलाज करवाइए, ठीक हो सकते हो। 100 में से 90 पेशेंट ठीक हो जाते हैं, हम 100 में से 100 नहीं कहते ठीक हो जाते हैं, 100 में से 90 पेशेंट ठीक होते हैं हमारे पास। आपको पहले भी बताया भी हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं जिनको उठा कर लेकर आए थे और नेक्स्ट डे खुद चल के गए हैं वो। यानी कि जो भी स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसका समाधान आपको डॉक्टर चिराग दीन मलिक फिजियोथेरेपी सेंटर में प्रॉपर अच्छी मात्रा, अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छी थेरेपीज हैं हमारे पास, काफ़ी अच्छी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिससे इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और हमारा बठिंडा शहर है, बठिंडा जंक्शन है बहुत बड़ा, बठिंडा में हर जगह से, इंडिया में हर जगह से ट्रेन आती हैं, आप ट्रेन पे भी आ सकते हो हमारे पास। हमारा जो हॉस्पिटल है बिल्कुल सेंटर में है बठिंडा के, रेलवे स्टेशन से 5 मिनट लगते हैं हमारे हॉस्पिटल के। अगर आप ट्रेन पे आना चाहते हो तो ट्रेन पे भी सीधा हमारे बठिंडा में आप आ सकते हो। तो जैसे ही किसी और किसी पेशेंट्स को इस चीज़ के बारे में दिक्कत है, स्पाइन से रिलेटेड, डिस्क से रिलेटेड, शैटिका से रिलेटेड है, तो एक बार आप हमारे हॉस्पिटल में ज़रूर विजिट करो, बठिंडा आपको एक बार आना पड़ेगा, तो आप चांस लेके देखो, तो प्रॉपर मात्रा में हम ये आपको कह सकते हैं कि आप ऑपरेशन से बच जाओ। ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद है, अगर किसी को दर्द की परेशानी है, जो दर्द में है, किसी को स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आए और अपना इलाज करवाए, बिना सर्जरी के ही ठीक हो सकते हो आप, सर्जरी की करवाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे। हमारे पास विजिट करिए, हमारा जो एड्रेस है
बठिंडा में, पंजाब में बठिंडा, और हनुमान चौक माता रानी गली, बिल्कुल सेंटर ऑफ सिटी में हमारा हॉस्पिटल है। रेलवे स्टेशन से भी 5 मिनट लगते हैं हमारे हॉस्पिटल के, और बस स्टैंड से भी 5 मिनट लगते हैं। और हमारे बठिंडा में हर जगह से ट्रेन आती हैं, आप अगर आना चाहते हो तो ट्रेन पे हमारे पास आ सकते हो। यानी किसी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, आपको यहाँ रहने की सुविधा भी है, सारा हॉस्पिटल है, बेड लगे हुए हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बेझिझक होके आएँ और अपना इसको अपना ट्रीटमेंट लें, और इस जो आपको बीमारी है डिस से रिलेटेड, उससे आप इसको छुटकारा लें। और हमारे वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।